Welcome students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we're going to start a new chapter, that is light and formation of shadows. तो student आप लोग aware हो गए what is meant by light, light का मतलब क्या होता है. आप लोगों को पता ही होगा कि light का मतलब क्या होता है और light के अंदर shadows definitely होते ही है. तो light के अंदर shadows कैसे form होते हैं और light के कितने types से light कैसे propagate होता है, कैसे हम तक पहुँचता है, we will going to study in this चैप्टर. तो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पे आपको चार पिक्चर दी गई है, दैट इज सोर्सेज ऑफ लाइट. किस लाइट कहाँ से आता है हम तक, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट. द ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच एमिट लाइट मीनिंग दोज विच देमसेल्स आर सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल. देखो ऐसे ऑब्जेक्ट और लाइट जो खुद ऐसे ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो लाइट खुद प्रोड्यूस करे, जो लाइट खुद एमिट करे, ठीक है, जो उनके अंदर दी गई है ये सलाहियत कि वो लाइट को एमिट करे, वो लाइट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल. ल्यूमिनस बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस बोलेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट विच ऑब्जेक्ट एमिट्स लाइट. लाइट की इंटेंसिटी वहीं तक जाएंगी जहाँ तक कि लाइट की इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, कि लाइट जहाँ तक पहुँच सकता है, उसके लिमिट्स जहाँ तक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल द लाइट एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज मोर इंटेंस देन द ऑब्टेंड फ्रॉम द कैंडल, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक टॉर्च का जो लाइट रहेगा वो मोर इंटेंस रहेगा स्टूडेंट, कैसे रहेगा, ज़्यादा दूर तक जाने वाला रहेगा देन अ लाइट ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ कैंडल. कैंडल मोमबत्ती से निकला हुआ लाइट वो इतने दूर तक नहीं जा सकता जितना एक टॉर्च से निकला हुआ लाइट जा सकता, ठीक है. तो क्या बोलेंगे कि जो टॉर्च का लाइट है वो कैसे मोर इंटेंस है देन द लाइट ऑब्टेन फ्रॉम द कैंडल. द ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद सोर्स नहीं है लाइट का, ठीक है, उनको किसी से लाइट बोरो करनी पड़ती है या उनको किसी से लाइट लेनी पड़ती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे. क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है. सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल ऑल्सो एमिट लाइट, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है. तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ डाइवर्ट होते हैं टॉपिक. लेकिन जो ऐसे लाइट, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो इंसान के बनाए हुए हैं और खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे. उसके बाद में सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, अदर स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, फायर फ्लाइज, सम एंगर फिश एज वेल एज हनी मशरूम आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. तो ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि इनको ल्यूमिनस भी बोला जाएगा क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है. नाउ हाउ लाइट इज़ प्रोपैगेट, लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, ठीक है. उसके बाद यू मे हैव सीन इन द आफ्टरनून रेज ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्लिट इन द डोर और स्मॉल होल इन द रूफ. एज दीज रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द स्लिट और होल मूव टूवर्ड्स द फ्लोर, द डस्ट पार्टिकल इन देयर दीज वे आर सीन क्लियरली. एग्जैक्टली ड्यू टू दिस पार्टिकल द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल एंड वी कैन सी दैट पाथ इज ऑल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है स्टूडेंट. ये तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है. आप देखेंगे कि जब आपके जो रोशनी आपकी खिड़की में से, आपके दरवाजे में से थोड़ी सी स्लाइट ऐसी रोशनी आती है ना सूरज की, अगर आपके हॉल में आती होगी, आपके रूम में आती होगी कोई भी, तो वहाँ पर ऐसी रोशनी आती होंगी, है ना. तो आप वो रोशनी में आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे स्लाइट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं आपको, है ना. तो दैट इज़ नथिंग बट द पार्टिकल्स ऑफ लाइट. यही पार्टिकल्स है जिसकी वजह से जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है, आ रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड होती है इन अ स्ट्रेट लाइंस, है ना. स्ट्रेट लाइंस में ही दिखाई देते होंगे आपको, ऐसे इधर उधर तो लाइट दिखाई नहीं देता होगा आपको, स्ट्रेट लाइंस में ही दिखाई देता होगा. तो ये रोशनी ये क्या है, तो ये रोशनी ही प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, किसके थ्रू, तो पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है. उसके बाद में देखेंगे हम, ये एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है घर के अंदर, आपके घर पर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है. देखो ये एक्टिविटी कैसी है, टेक थ्री कार्डबोर्ड्स, तीन कार्डबोर्ड्स लेने हैं आपको, तीनों में होल करना है बीच में, ठीक है. उसके बाद में आपको क्या करना है, अरेंज द कार्डबोर्ड इन सच अ वे दैट द थ्री होल्स आर इन द सेम लाइन. सेम लाइन में आपको उसको अरेंज करना है, उसके अंदर सुराख करना है आपको और वो तीनों को एक ही लाइन में अरेंज करना है एज शोन इन द फिगर, ठीक है. उसके बाद में स्टैंड अ बर्निंग कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड्स एंड लुक एट द फ्लेम ऑफ द कार्डबोर्ड फ्रॉम द अदर साइड. तो एक साइड में आपको कैंडल को खड़ी करना है जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है और दूसरी जगह से आपको, दूसरी साइड से आपको उसको देखना है. टेक अ स्ट्रेट ट्यूब दैट कैन बी बेंट इजिली
सॉरी उसके बाद में देखना है आपको नाउ मूव ऑन वन ऑफ द कार्डबोर्ड्स। उसके बाद में आपको एक कार्डबोर्ड को जो बीच वाला होगा या पहला वाला होगा जो भी है आपको वो कार्डबोर्ड को उस वहाँ से हटा देना है। अब आप क्या नोटिस करेंगे, ठीक है? तो देखो जो स्ट्रेट है जहाँ पे फ्लेम इजीली आ सकती है तो वहाँ पे आपको इजीली दिखाई देंगी आपकी फ्लेम, है ना, इजीली। जो तीन कार्डबोर्ड जो थे वो स्ट्रेट रखे हुए थे आपने तो आपको वहाँ से फ्लेम क्या रहेंगी, आपको इजीली दिखाई देंगी। लेकिन जहाँ से आपने कार्डबोर्ड हटा दिए तो वो कार्डबोर्ड तक आपकी जो लाइट है वो महदूद रहेंगी, वहाँ उसके आगे वो लाइट जो है वो नहीं आ सकती, समझ में आ गया? तो आपको वहाँ से लाइट दिखना बंद हो जाएंगी। उसके बाद में ये एक्टिविटी जो सेकेंड है आपको ये देखना है कि टेक अ स्ट्रेट ट्यूब दैट कैन बेंट इजीली, स्ट्रेट ट्यूब देखना है आपको जो बेंट हो सके इजीली एज शोन इन द फिगर। प्लेस अ बर्निंग कैंडल ऑन द स्टैंड, स्टैंड पे आपको बर्निंग कैंडल रखना है और वो ट्यूब में से आपको कैंडल को देखना है। फिर क्या करना है कि पहली बार आप देखेंगे आपको तो बर्न जो कैंडल की जो लाइट है रोशनी आपको इजीली दिख जाएंगी, जैसे ही आप जो ट्यूब है उसको बेंड करेंगे तो आपको रोशनी दिखाई देंगी क्या, तो आपको रोशनी नहीं दिखाई देंगी। तो लाइट का यही काम है, लाइट का फंक्शन यही है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है। लाइट का जो प्रोपागेशन होता है वो लीनियर प्रोपागेशन रहता है। कैसा प्रोपागेशन रहता, लीनियर रहता, कि लाइट आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देगा, आपको क्रॉस या जिगजैग वे में आपको लाइट कभी नहीं दिखाई देगा। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो सीधा ही ट्रैवल होता है, स्ट्रेट ट्रैवल होगा, जिसको हम लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन होना, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी विल गोइंग टू स्टडी। लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे। द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, कि लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद में वापस दूसरे डायरेक्शन में वो लाइट क्या हो रहा है, तो वापस दूसरे डायरेक्शन में वो लाइट क्या होगा, थ्रो बैक होगा, वापस दूसरे डायरेक्शन में वो लाइट चले जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, टकरा के वापस आना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट पे जाना वापस, कहीं पर भी स्कैटर्ड हो जाना उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच आर आइज, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का ही वजह से स्टूडेंट हमको इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इन विच ऑब्जेक्ट डू वी सी रिफ्लेक्शन, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जिसमें हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन, वट आर द डिफरेंसेज, ये सब चीज़ों का क्या डिफरेंसेज होता है। उसके बाद में लेट अस हाउ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम थ्री सोर्स शोन अलॉन्ग साइड, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये तीनों चीज़ों में से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये हमको देखना है उसके अंदर। उसके बाद देखेंगे वैन यू सी योर फेस इन द मिरर, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस फॉल्स ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक अगेन, दैट इज़ व्हाई यू सी द इमेज इन द मिरर। देखो मिरर के अंदर आपके फेस की जो लाइट है वो क्लियरली जा रही है, एग्जैक्टली ठीक है। अब वो चली गई अंदर, फिर उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही, उसमें से वापस क्या बोल सकते हो उसको, टप्पा खा के वापस आना, राइट। तो जो आपके फेस की जो लाइट है वो मिरर में जा रही है और फिर वापस थ्रो बैक हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो थ्रो बैक हो रही है लाइट, उसकी वजह से आपका आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, किसमें, मिरर में। उसके बाद में देखेंगे डू यू सी योर इमेज इन अ ग्लास प्लेन, यू डू इट ऑल दो इट इज़ सम वॉट फेंट, नो इमेज विल बी सीन एट ऑल ऑन द वुडन सर्फेस, वुडन सरफेस पे आपको आपकी इमेज दिखाई देंगी नहीं, क्योंकि आपका जो लाइट आपके चेहरे में से जा रहा है उसके अंदर, वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जा रहा है, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको आपका चेहरा दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा। यू मे हैव सीन योर इमेज फॉर्म इन द सर्फेस सच एज स्टील न्यू डिशेज, स्टील के डिशेज में भी आपको आपका चेहरा दिखाई देता होगा, है ना, ग्रेनाइट वॉल में भी आपको आपका चेहरा, द ग्लॉसी ग्रेनाइट क्लैडिंग ऑफ वॉल एंड स्टिल वाटर इन अ लेक, पानी में भी दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको आपका चेहरा दिखाई देता है, आपको उसकी लीज़ बनानी है और आपकी जो बुक है, कॉपी है, आपको उसके पीछे उसके लिस्ट जब आप आएंगे मुझे आपको चेक करवानी है, ठीक है, आपको मुझे चेक करवानी है। मेक अ गेस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्फेस ड्यू टू विच एन इमेज इज फॉर्म, ठीक है, इमेज सर्फेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपको इमेज आपकी दिखाई देंगे, आपको इसका भी गेस करना है, ठीक है। इमेजेस इन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में आपकी इमेजेस कैसे दिखाई देंगी, तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज इन इट, रेज योर राइट हैंड विच हैंड ऑफ अ मिरर इमेजेस रेज। अब आपको इमेज की मिरर तो दिखाई दे रही है, बट वो किस साइड की इमेज है वो आपको नहीं मालूम, है ना, क्योंकि अगर आपका राइट हैंड
उसके अंदर रेस करेंगे तो क्या इमेज का भी राइट हैंड उसके अंदर वो होगा, रेस्ड होगा। What change do you see in the image if you decrease or increase your distance from the mirror? Mirror से दूर दूर जाएंगे आप तो उसके अंदर आपको क्या क्या changes दिखाई देंगे। उसके बाद में is there any difference between your height and height of the mirror image? क्या आपको कोई difference दिखाई देगा आपकी height में और mirror की image में? The left and the side of the original object appear to be exchanged in the mirror image, है ना? आप right पे अगर कोई चीज़ try करेंगे मिरर के अंदर तो मिरर में वो लेफ्ट में दिखाई देंगे आपको, ठीक है। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी आपकी साइज है जितनी आपकी हाइट है उतनी ही उसके अंदर दिखाई देगी। उसके बाद में देखेंगे हम पिन होल कैमरा, व्हाट इज अ पिन होल कैमरा। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट है, तो अभी तक आपको इतना ही समझना है कि प्लेन मिरर में आपको कैसी इमेजेस दिखाई देती है और मतलब अपसाइड डाउन अपसाइड राइट अपसाइड दिखाई देती है आपको, कि जैसे आप जो है वो राइट हैंड साइड का अगर कुछ चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे आपका राइट हैंड आप प्रेस करेंगे तो मिरर के अंदर का लेफ्ट हैंड आप रेस होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ऑब्लिक दिखाई देगा आपको जो भी आप काम कर रहे, तो ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग पिनहोल कैमरा देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे हाउ इट इज फॉर्म। सो आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियरली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।